हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं ऋषिकेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं जागरूक टीवी में। कोरोना वायरस के खिलाफ आज पूरा देश डट के लड़ रहा है। हमारी मेडिकल टीम और सुरक्षा बल इस खतरनाक वायरस से हर रोज जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलाने वाले हैं जो इस जंग में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रेड जोन में होने के बावजूद भी लोगों का पेट भर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की उन तमाम NGOs की जो इस खतरनाक वैश्विक महामारी से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अभी हम महाराष्ट्र के पालघर के नाला सुपारा में हैं और हमारे सामने साइबा सेवा संस्था के कार्यकर्ता हैं। तो तकरीबन कितने दिन से आप लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं? हम कम से कम 45 दिन से हम लोग लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं और दिन में 8 से लेकर 9 हज़ार तक आदमी को खाना देते। आप लोग जो ये रोज लोगों को खाना पहुँचाते हो, खाना बनाते समय किन किन खास चीज़ों का ध्यान रखते हो? हम खाना बनाते वक्त अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो भी है बाहर से आते हैं, हमने मेन डोर पे अपने सैनिटाइजर रखा है, उन लोग अपने हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करते हैं और प्लस हैंड ग्लव्स पहन के रखते हैं। और खाना बनाते वक्त हमारे जो कार्यकर्ता है हाथों में ग्लव्स पहन के और मुँह पे मास्क लगा के खाना बनाते हैं। आप रेड जोन में काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, आपको कभी डर नहीं लगता कि कभी गलती से इस खतरनाक वैश्विक महामारी का शिकार बन जाओ? लगता है, लेकिन हमारे साइबर संस्था की पहली प्राथमिकता है कि लोगों की सेवा करना, और इनकी सेवा करते समय हम सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं और अपने हाथ में ग्लव्स और हमेशा सैनिटाइजर करते रहते हैं। हम साइबर सेवा संस्था के इस जज्बे को सलाम करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं जो इस खतरनाक समय में लोगों की सहायता कर रहे हैं और इस महामारी से लड़ने में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अब मैं ऋषिकेश गुप्ता आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए देखिए जागरूक और बनिए जागरूक। पालघर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।